किसी ने क्या खूब कहा है कि आपकी शरीर की ताकत मायने नहीं रखती, आपका साहस मनोबल मायने रखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है मनोबल की आवश्यकता क्यों है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। राजा सुकीर्ति के पास एक लौछुंड नामक हाथी था। राजा ने कई युद्ध में उस पर चढ़ाई करके विजय पाई थी। बचपन से ही उसे इस प्रकार से तैयार किया गया था कि युद्ध में शत्रु सैनिकों को देखकर वो उन पर इस तरह टूट पड़ता था कि देखते ही देखते शत्रु के पांव उखड़ जाते। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा भी आया जब वह वृद्ध दिखने लगा। अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसीलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। वह सिर्फ हाथी साला की शोभा बनकर रह गया। अब उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धंस गया और फिर धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस कीचड़ से स्वयं को नहीं निकाल पाया। उसकी चिंघाड़ने की आवाज से लोगों को यह पता चला गया कि वह हाथी संकट में है। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक भी पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के पास आसपास इकट्ठे हो गए और विभिन्न प्रकार के प्रयत्न से उसे निकालने के लिए करने लगे, लेकिन बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत कोई मार्ग नहीं निकला। तभी गौतम बुद्ध मार्ग भ्रमण कर रहे थे। राजा और सारा मंत्रिमंडल तथागत गौतम बुद्ध के पास गए और अनुरोध किया कि आप हमें इस विकट परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि युद्ध का माहौल बनाया जाए। वाद्य यंत्र मंगवाए गए, नगाड़े बजवाए गए और ऐसा माहौल बनाया गया कि शत्रु सैनिक लौह छुंद की ओर बढ़ रहे हैं, और फिर तो लौह छुंद में एक जोश आ गया। गले तक की कीचड़ में धस जाने के बावजूद वह जोर से चिंघाड़ लगाकर सैनिकों की ओर दौड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से उसे संभाला गया। गौतम बुद्ध ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार की थी। जिसका मनोबल जाग जाता है, वो असहाय और अशक्त होने के बावजूद भी असंभव काम कर सकता है। तो दोस्तों, एक शारीरिक बल होता है और दूसरा मानसिक बल होता है। शारीरिक बल की सीमा होती है, लेकिन मानसिक बल की कोई सीमा नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मनोबल को ऊंचा बनाए रखिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा जो हमेशा कहता चला आ रहा हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।